अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द टैगमैन चैनल। भाई आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी आरसी प्लेन की सीजी कैसे बैलेंस की जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सीजी होती क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीजी बैलेंस क्यों जाती है, क्यों की जाती है, और उसके बाद हम सीजी को बैलेंस करना भी सीखेंगे। देखिए, जो सीजी है ना, सीजी एब्रिविएशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ये जो सीजी है, एक पॉइंट होते हैं आपके विंग्स के ऊपर जहाँ पर आपने अपने आरसी प्लेन को बैलेंस करना होता है, उसके वेट को, और उसमें जो है ना उस वक्त उसके सारे कंपोनेंट जैसे बैटरी, रिसीवर वगैरह इंस्टॉल हो। अब मोस्टली क्या होता है कि अगर आप सीजी को बैलेंस नहीं करते, आपने कोई प्लेन बाय किया और आपने सीजी उसकी चेक ही नहीं की, और अगर उसकी सीजी बैलेंस नहीं और आपने उसको फ्लाई किया है, तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनबैलेंस होगा, मतलब वो स्टेबल नहीं होगा और कोई ना कोई वो क्रैश कर जाएगा या आपसे वो संभलेगा नहीं ऊपर जाके। तो किसी भी आरसी प्लेन को फ्लाई करने से पहले आपने उसकी सीजी को बैलेंस लाजमी करना है, एक बात ये होगी। अब सीजी के पॉइंट्स कैसे आप फाइंड करेंगे? देखें, जब भी आप कोई प्लेन बाय करते हैं जैसे किसी भी कंपनी का, तो उसके मैनुअल साथ आती है और मैनुअल के उन्होंने एंड में हमेशा से एक सीजी का पॉइंट्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर या इंचेस में बताया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफएमएस है या मेरे पास जेट है या मामा है, सबकी मैनुअल्स के अंदर एक जो है ना वो पॉइंट उन्होंने बताए हुए होते हैं जो आपने नाप करके और उस पॉइंट के ऊपर अपने प्लेन को बैलेंस करना होता है। और अगर आपको नहीं भी मिलती मैनुअल किसी प्लेन में, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ कंपनीज मार्क कर देती हैं, जैसे ये मेरा जो स्काइबिंग आप देख रहे हैं ना, इस पर उन्होंने एक सीजी लिख के मार्क किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी मुझे बताया हुआ है कि इस प्लेन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने इस प्लेन को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जैसे और कंपनीज हैं वो अपनी मैनुअल के अंदर दे देती हैं। अच्छा, सीजी जो है ना हम क्यों मार्क करते हैं? देखिए, कुछ प्लेन तो आरटीएफ आते हैं, जैसे जो आरटीएफ वर्जन होते हैं उनमें बैटरी और जो भी उनका सामान होता है, चार्जर वगैरह, वो ऑलरेडी कंपनी उस प्लेन के वेट के हिसाब से ऐड करती है, तो आप में उसको ज़्यादा सीजी में प्रॉब्लम आपको नहीं आता। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी आपके लिए ऑप्शन छोड़ देती है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी कहती है कि आप इस प्लेन में 1300 से लेके और 2200 एमएएच तक की बैटरी लगा सकते हैं, तो 1300 उन्होंने साथ दी होती है, लेकिन अगर आप उसमें हाई कैपेसिटी थोड़ी सी बैटरी ऐड करते हैं 2200 एमएएच, तो फिर आपका जो प्लेन है वो नोज़ वाली साइड से लाजमी हैवी होगा, तो आपने उसको बैलेंस करना पड़ता है। इसी तरह क्या होता है, काफ़ी दफ़ा हम प्रॉप डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक प्रॉप में और कार्बन फाइबर का जो प्रॉप है उनके वेट में डिफरेंस होता है, तो आप प्लास्टिक जगह कार्बन फाइबर का प्रॉप यूज़ करते हैं, और प्रॉप आपको पता है बिल्कुल नोज़ के एज पे लगता है, तो हल्का सा भी वेट जब नोज़ की एज पे या जो टेल की बिल्कुल एज पे आप ऐड करेंगे, तो सीजी अनबैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी दफ़ा आपका प्लेन भी क्रैश हो जाता है, फ्रंट से बैक से आप ग्लू लगा लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, तो वो साइड हैवी हो जाती है। ये इसके अलावा जो हमारी किट्स आती है ना, जैसे हमारे इंजन जो प्लेन्स आते हैं, तो उसमें मोस्टली कंपनी किट्स हमें प्रोवाइड करती है, बाकी जो हमें सर्वोस है, इंजन है, या फिर इलेक्ट्रिक सेटअप के लिए हमें मोटर्स वगैरह लगानी पड़ती है, वो हर कंपनी का डिफरेंट वेट होता है, तो कहीं ना कहीं जाके आपको सीजी का प्रॉब्लम आता है। तो अभी मैं आपको इस प्लेन से सीजी बैलेंस करना सिखाऊंगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दो प्लेन मेरे पास या जेट भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगा मैंने इनकी सीजी को कैसे बैलेंस किया है। तो देखें, अभी ये जो मेरे पास सीजर ट्रेनर है, आप इसकी मैनुअल देख रहे होंगे, इन्होंने ना मैनुअल में बताया हुआ है कि इसकी जो मतलब सीजी है ना वो 55 to 60 millimeter, यानी कि 5 से 6 centimeter के दरमियान है, 5.5 to 6 centimeter, क्योंकि 1 centimeter में आपका 10 millimeter होते हैं, तो 60 पे भी हम इसकी सीजी को अगर काउंट करें तो 60 millimeter का मतलब है 6 centimeter। अब आपने करना क्या होता है, उन्होंने लीडिंग ऐसे बताया हुआ है। देखें, ये प्लेन है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, उल्टा करता हूँ, और ये आप मेरे पास देख सकते हैं एक स्टील का स्केल है, ये आपको मार्केट से इजीली मिल सकता है, या आप कोई भी ऐसा मीटर यूज़ कर सकते हैं जिसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर का हिसाब दिया हो। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 6 हैं ये सेंटीमीटर्स हैं, और ये जो बिल्कुल बारीक बार हैं ये मिलीमीटर्स की हैं। तो 50 यानी कि 5 से 6, 60 जो मिलीमीटर का मतलब है कि 6 centimeter। तो हम यहाँ पे 6 centimeter पे इसकी जो है सीजी माप करेंगे। वो कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि फ्रंट वाले एज से आपने क्या करना, हमेशा ऐसी सीजी बैलेंस होती है कि आपने जो ये लीडिंग एज है ना, यानी कि जो फ्रंट वाला जो विंग्स का एज है, इसके पास आपने स्केल को बिल्कुल बराबर करना है यहाँ पे, जैसे मैंने किया हुआ है, और उसके बाद अभी यहाँ से मार्क करके अपने यहाँ तक आना है। अब आप मार्क करने के लिए चाहे तो आप ये बोर्ड मार्कर यूज़ कर लें, परमानेंट यूज़ कर लें, कोई टेप लगा लें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पे यानी कि यहाँ पे है ये 55 to 60 millimeter, यानी कि 6 centimeter के ऊपर ये 50 millimeter बनेगा। ये देखें, मैंने इसको मार्क कर लिया, ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। इसी तरह आपने लेफ्ट राइट दोनों विंग्स के ऊपर करना है। यहाँ पे अगर मैं इसको लगाता हूँ, देखें यहाँ पे मैंने वही काम किया बिल्कुल बैलेंस करके, और अब मैं यहाँ पे अगर इसको लगाता हूँ, देखें यहाँ पे मेरा बन रहा है ये 55 to 60 millimeter, यानी कि 6 centimeter। अब ये जो दो पॉइंट्स मुझे फाइंड हुए हैं ना कंपनी की मैनुअल की तरफ से, यहाँ पे मैंने इस प्लेन को बैलेंस करना है। अब मैं क्या करूँगा, सीधा करूँगा, और अभी मैं इसको ये दिखा दूँ कि मैंने जो बैटरी इसमें लगाई हुई है वो 2200। मैं इसकी सीजी को क्यों बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 1300 रिकमेंडेड, आप 2200 भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस करके, अगर बैलेंस ना हो तो फिर आपने करना क्या है, अभी हम इसको देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं, तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आपका प्लेन बैलेंस नहीं है तो फिर आप करेंगे क्या, ये देखें अब आपने करना क्या है। वैसे देखें, इसके लिए मैं आपको बता दूं, हॉबी ग्रेड के जो है ना वो स्टैंड मिलते हैं सीजी करने के लिए, मोस्टली पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम जुगाड़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप दस्ती घर में भी स्टैंड बना सकते हैं, मैं आपको पिक्चर्स भी साथ दिखा रहा हूँ। वरना सबसे जो इसका बेसिक तरीका है वो आप फिंगर टिप्स पे, आप अपने इंडेक्स फिंगर को या कोई भी मिडिल फिंगर को यूज़ करके कर सकते हैं। करना क्या है,
जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं ना इसके ऊपर आपने रखनी है, एक फिंगर ये इंडेक्स मैंने यहाँ रखी है, सेम इसी तरह एक आप यहाँ पर रखेंगे। अब आपने इसमें बैटरी भी इंस्टॉल है, हर चीज़ यानी फ्लाई से पहले, फ्लाई करने से पहले सारे कंपोनेंट इंस्टॉल करके आपने इसको ऐसे चेक करना है। अब आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर मेरी सीजी बिल्कुल बैलेंस है, आप देखें फिंगर टिप्स के ऊपर खड़ा हुआ है प्लेन इस वक्त, ना इसकी नोज़ डाउन जा रही है ना ही इसकी टेल जो है वो डाउन जा रही है, तो इसका मतलब है मेरा प्लेन बिल्कुल बैलेंस है 2200 mAh बैटरी के साथ। अच्छा, अब अगर आपकी मिसाल के तौर पर अगर आपकी नोज़ थोड़ी सी हैवी हो रही है तो कंपनीज क्या करती है, कंपार्टमेंट काफ़ी अगर खुला है प्लेन का तो आप बैटरी को ड्रैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्लेन अगर ऐसे झुक रहा है तो मैं बैटरी को पीछे की तरफ ड्रैग करूँगा ताकि टेल की तरफ बैठ जाए, और अगर मेरा प्लेन इधर झुक रहा है टेल की तरफ तो बैटरी को मैं आगे की तरफ ड्रैग करूँगा ताकि मेरा प्लेन आगे की तरफ जाए। तो बैटरी को जितना ड्रैग करके आप कर सकते हैं इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैटरी के ड्रैग करने के बावजूद भी आपका प्लेन का वेट ठीक नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल ये आगे की तरफ झुक रहा है, आपने बैटरी बिल्कुल एंड तक आगे तक ले गए हैं लेकिन इसके बावजूद ये झुक रहा है पीछे से आगे से, तो फिर आप वेट ऐड करेंगे। वेट कैसे ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बैटरी लगाई, अब मैंने बैटरी को फुल पीछे ड्रैग किया हुआ है लेकिन ये फिर भी आगे की तरफ झुक रहा है, तो मुझे टेल के एंड पे कोई ना कोई वेट लगाना पड़ेगा। वेट में आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये जो हमारे व्हील बैलेंस अलाइनमेंट की शॉप पे गाड़ियों के हम व्हील बैलेंस करवाते हैं वहाँ पे छोटे वेट्स होते हैं, या मैं मोस्टली जब मेरे साथ सीजी का प्रॉब्लम था तो मैं जो रिमोट कंट्रोल के हमारे छोटे टीवी के सेल होते हैं या फिर जो बड़े सेल वॉल क्लॉक के होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटी यानी कि हो हजम में और साइज़ में और आपका जो वेट उसका ज़्यादा हो तो फिर आप वेट लगाएंगे थोड़ा बहुत, फिर चेक करेंगे जितने वेट के साथ भी आपका प्लेन बैलेंस हो आपने उतना वेट जो है टेल में या फिर आगे की तरफ लगाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने सीजी को कैसे बैलेंस करना है। अब इसमें हमें किसी चीज़ का वेट ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं अब आपको मामा प्लेन दिखाता हूँ, उसकी मैनुअल को चेक करते हैं और वो दिखाता हूँ क्योंकि वो बाय प्लेन है, उसमें डबल विंग्स हैं, तो देखते हैं उन्होंने किस तरह बताया कि उसकी सीजी को कैसे हमने मेंटेन करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मौजूद है एक बाय प्लेन जो मामा, शायद आपने इसकी वीडियोस देखी भी हो मेरे चैनल पे, देखें इसका इन्होंने आप अगर स्क्रीन पे देखें मैनुअल में बताया हुआ है कि हमने इसका जो नीचे वाला है ना यानी कि बॉटम वाला जो इसका विंग स्पैन है उसके ऊपर से हमने इसकी सीजी लेनी है, ऊपर वाले से नहीं लेनी, तो इसलिए कह रहा हूँ मैनुअल को पढ़ना जरूरी होता है। अब अगर मैं इसकी मैनुअल ना पढ़ता या मुझे ऐसे आइडिया ना होता तो मैंने ऊपर वाले विंग से इसकी जो है ना वो सीजी लेनी थी, लेकिन इसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि लीडिंग जो एज यानी फ्रंट एज से नीचे वाले जो है हमारा बॉटम जो है उसके ऊपर से हमने इसकी सीजी लेनी है। तो ये देखें सेम हम यही काम ये करेंगे कि ये 65 mm का मतलब है 6.5 cm, तो हम यहाँ पर आएंगे, ये इसका लीडिंग एज है, यहाँ से हम इसको लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसको करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे हमारा बन रहा है 60 और यहाँ पे आके बन रहा है 65 का मतलब है 6.5 cm यानी 65 mm। तो यहाँ पे देखें मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है क्योंकि सीजी मैंने इसकी की हुई है। सेम यही काम हम यहाँ इस साइड से करेंगे क्योंकि अपने दो साइड से इसको उठाना होता है बैलेंस करने के लिए। तो आप ये देखें यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठीक लिया है 65 mm पे, इस तरह से आपने इसकी सीजी लेनी है। अब इसकी जो सीजी आपने वो यहाँ से करनी है इसकी बैटरी को इंस्टॉल करके, सेम इसमें यही काम होना है कि अगर आपकी सीजी अनबैलेंस है, जैसे ये मामा है इसमें आपको पता 2200 से 3300 mAh तक रिक्वायर्ड है, 2200 से आप 3300 तक इसमें बैटरी लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि मामा के कंपार्टमेंट में भी काफ़ी जगह है, आप बैटरी को ड्रैग कर सकते हैं। 2200 अगर लगाते हैं तो आप उसको, क्योंकि थोड़ी सी हल्की है तो आपको यहीं पर एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर 3300 लगाते हैं तो हैवी हो जाएगा तो आपको बैटरी पीछे की तरफ ज़्यादा ड्रैग करनी है, तो इस तरह आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको अपना जेट दिखाता हूँ कि उसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं, वो कैसे, ये तो मैं फिंगर टिप्स पे उठा के आपको प्लेन्स दिखा रहा हूँ। उसमें हमें ये होता है कि काफ़ी दफ़ा हमें किसी ना रिबन वगैरह से या किसी रस्सी से प्लेन उठाना पड़ जाता है, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ये मेरा फ्री विंग का 80 mm अवंती जेट मौजूद है, आपने इसकी वीडियोस भी देखी होंगी। इसको कैसे सीजी बैलेंस करना है मैं इसको आपको दिखाना चाह रहा था क्योंकि इसके अंदर दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हैं सीजी के लिए। नंबर एक तो ये कि जिन प्लेन्स के आपको ये रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर्स नज़र आते हैं ना जो बाहर निकल सकते हैं, उनको आपने बाहर निकाल के ही सीजी करनी है। ये नहीं है कि आपके लैंडिंग गियर क्लोज करके या बंद करके अंदर की तरफ फिर सीजी करें। हमेशा आपने ऐसा कोई भी प्लेन, चाहे वो जेट है चाहे वो वारबर्ड है, कोई भी प्लेन है जिसके लैंडिंग गियर्स जो है वो रिट्रैक्टेबल है बाहर निकल सकते हैं, उनको आपने बाहर निकाल के ही सीजी करनी है। दूसरी बात यह कि ये जैसे काफ़ी हैवी जेट है तो इसका भी मैं मैनुअल आपको दिखा रहा हूँ, इसके भी उन्होंने इसका भी बताया कि 105 से 110 mm यानी कि तकरीबन आपकी जो है ना ये 11 cm बनेगा, उस पर आपने इसकी सीजी फ्रंट वही जो लीडिंग है जिसका फ्रंट से बैक की तरफ आपने इसकी सीजी लेनी है। अच्छा, अब अगर मैंने नीचे भी मार्क की थी इसकी सीजी, लेकिन नीचे से इस तरह के जेटों को उठाना बड़ा मुश्किल होता है या आपको लैंडिंग गियर की वजह से देखें जगह नहीं मिलती, यहाँ पे गैप है, होल बना हुआ जिसमें लैंडिंग गियर ने अंदर जाना है, ठीक है, तो आपको काफ़ी दफ़ा नीचे से सीजी लेने में प्रॉब्लम आता है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, और बड़े प्लेन्स जो है ना हमारे इंजन वाले उनके साथ भी आप ऐसा करेंगे, जो बहुत बड़ा प्लेन है आप फिंगर टिप्स में नहीं उठा सकते। तो मैंने क्या किया, इसकी सीजी को ऊपर की तरफ से मार्क किया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने इसकी सीजी बताई हुई हमें 105 से 110 mm, जो कि यहाँ 10 से 11 यानी कि 10.5 से लेके 11
सेंटीमीटर तक बनेगी। ये देखें मैंने यहाँ से ऑलरेडी इसको मार्क किया हुआ है और ये तकरीबन 105 मिलीमीटर बनता है यहाँ पे, जो 10.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसके बाद देखें मैंने मार्क कर लिया, सेम मैंने इस तरह यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब इसको मैं उठाऊंगा कैसे, देखें आप कोई भी रस्सी ले सकते हैं, रिबन ले सकते हैं। विंग्स को मैंने थोड़ा सा खोला यहाँ से, दोनों विंग्स को थोड़ा सा गैप दे के यहाँ से देखें मैं इसको निकालूँगा, ये जो है रिबन, और इस तरह ही मैं इसको यहाँ से लेके आऊँगा इस साइड से। विंग्स में मैं थोड़ा और खोल लेता हूँ जी, ये देखें। अब यहाँ से ना ये मैंने इसको प्लास्टिक से निकाल के ज़रा इधर से, तो आपने उस पॉइंट तक इसको ले आना है जहाँ पे आपकी सीजी बैलेंस है। तो उसके बाद आपने विंग्स को कर देना है क्लोज जितना हो सके, जैसे ही पहले थे। ये देखें यहाँ से ये बंद हो गया, इधर से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये देखें। तो यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ इस पॉइंट पर एंड ये इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे जी ये पॉइंट्स पे मैं इसको ले आया हूँ। अब आपने करना क्या है, बिल्कुल तराजू की तरह इसको पकड़ना है आराम से और यहाँ से आपने इसको उठा के देखना है, तो आपको पता लग जाएगा आपका प्लेन बैलेंस है या नहीं है। ये देखें ऑलमोस्ट ये बिल्कुल बैलेंस है, ये जो साइड पे घूम रहा है ये पंखे की हवा की वजह से जा रहा है, यानी कि इसकी जो नोज़ है और जो टेल है वो बिल्कुल बैलेंस है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह भी आप अपने जो जेट है या प्लेन है उसकी सीजी कर सकते हैं, किसी भी रस्सी से या किसी भी, ये थोड़ा सा चौड़ा सा एक रिबन है वो मैंने रखा हुआ था, तो इस जेट की जो मैंने सीजी है वो इस तरह की है। अच्छा, मैं आपको और दिखाता चलूँ कि ये अगर इसकी आपकी सीजी बैलेंस नहीं है तो इसमें भी देखें काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट है। इसमें जो है 5000 mAh कंपनी ने बैटरी रेकमेंड की, आप 6000 भी लगा सकते हैं, 4000 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर ये बैलेंस नहीं है तो बैटरी आप आगे या पीछे की तरफ ट्रैक कर सकते हैं। अब मैंने इसकी जो बैटरी 5000 है इसी पॉइंट के ऊपर बैलेंस करके, आप अपनी जगह को फिर मार्क भी कर लें बैटरी को, ये नहीं कि आप बार बार बैटरी लगाएंगे तो सीजी करेंगे, नहीं। जैसे आप, मैंने अपनी जगह मार्क कर ली है और यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं कि बैटरी इस एरिया से इस एरिया तक बैलेंस है। तो जब भी आप कोई बैटरी चेंज करें या प्रॉप चेंज करें या कोई वेट ऐड करें, या जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पैराशूट और ड्रॉपर नीचे लगा दिया था, कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट कोई भी ऐड करते हैं आप अपने प्लेन में, तो आपको सीजी बैलेंस करनी पड़ती है। तो ये थी वीडियो, किसने कमेंट किए थे तो मैंने सोचा आपको सीजी के बारे में भी बता दूँ, क्योंकि बाहर आउटडोर में तो सब कुछ बंद है, तो कमरे के अंदर बैठ के मैं आपको ये टिप्स दे सकता हूँ। तो उम्मीद है कि जो लोगों को सीजी का नहीं पता था उनको पता लग गया होगा, और जिनको पहले से पता था उनके इन्फॉर्मेशन में और भी इजाफा हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग द टेक मैन, अल्लाह हाफिज़।